आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे जो कोटा डीलर होता है जो राशन बांटता है उसके पास कितना राशन आता है, कितना गेहूं आता है और कितना चावल आता है, कितने यूनिटों का कितना कितना आता है, तो बने रहें इस वीडियो में। आज देखिए सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कहा है उत्तर प्रदेश एवं खाद्य रसद विभाग की वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट सीधा विजिट कर सकते हैं। जैसे इस पे आएंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे इस पे इंटरफेस पे आ जाएंगे तो देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है उचित दर ई चालान अतिरिक्त प्रिंट, तो आपको क्या है इसी वाले बटन पे क्लिक करनी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो करना क्या, देखिए आपको यहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए गाँव से हैं या फिर शहर से हैं, अगर शहर से हैं तो नगरी सेलेक्ट करें और ग्रामीण से हैं तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अपना जो विकास खंड है वो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए एक एक जो ईटी जो आपको जो दुकान जिस दुकान से राशन लेना चाहते हैं जाते हैं तो वहाँ पे कोड नंबर लिखा होता है जो हर डीलर के पास होता है, हर डीलर को प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको वो नंबर डाल देना। देखिए मेरे कोठा डीलर मेरे गाँव का नंबर है, जो कोठा डीलर है उसका इतना नंबर है, और देखिए हम नवंबर का इसी माह का निकालना चाहते हैं अतिरिक्त में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितनी जानकारी फिल करके आपको देखो वाली बटन पर क्लिक करनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर विकासखंड ग्राम जो भी है वो नाम लिखा है, दुकानदार कोड संख्या देखिए ईटी करके इतना लिखा है, कोटेदार का नाम देखिए ये भी लिखा है, और चालान डाउनलोड करें देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखना चाहते हैं तो देखिए आपको देखना है तो आपको इसी वाली पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर डाउनलोड करना है तो देखिए डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करेंगे देखिए मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर चालान नंबर ये है, कोटेदार का नाम देखिए, दुकान नंबर देखिए पूरा इतना होता है जो आपको सामने सो रहा है, और जो दुकान नंबर ईटी करके इतना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो देखिए अंत्योदय कार्ड कितने 27 कार्ड हैं यानी 74 यूनिट हैं, टोटल देखिए कितना गेहूँ आया 3.7 क्विंटल, और चावल देखिए कुछ चावल इनके लिए कुछ नहीं आया अगली बार में। और यहाँ पर देखिए पात्रग्रस्ती इनके कितने कार्ड हैं 205 कार्ड हैं और 947 यूनिट हैं, और देखिए यहाँ पर गेहूँ आया वो कितना है 47.35 क्विंटल, देखिए इतना गेहूँ आया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए ये अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये तो पूरी कोठा डीलर की डिटेल हो गई, अब नीचे आ गई है, अब देखिए गोदाम के बारे में डिटेल आएगी। देखिए गोदाम से हम जो लोग कितना उठाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना इतना गोदाम से उठाएंगे, और वो जाके आपको यहाँ पर सारे लोगों को बटना है, तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कितना कितना हमारे गांव पर कितना आता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर दें तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी ये चीज़ देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, अपने जो गांव में जो कोठा डीलर हैं उनका दुकान नंबर देखें, आराम से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे गाँव में कितना राशन आता है, किस चीज़ का कितना आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले में कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।